हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंक सिटी गार्डन चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट मटेरियल और पेड़ की पत्तियों से, ताज़ा हो चाहे वो सूखी हुई हो, उनसे हम अपनी ऑर्गेनिक खाद कैसे बना सकते हैं। आप खाद बाज़ार से कितने भी ख़रीद लीजिए, लेकिन जिस तरह से हम बाहर के खाने पर भरोसा नहीं करते, उसी तरह से हम बाहर के खाद पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी केमिकल वाली होती हैं। हम आज घर पर ऑर्गेनिक खाद ही बनाएंगे, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है, जो वेस्ट मटेरियल से बनती है, पत्तियों से बनती है। तो मैं सबका यूज़ करूँगी, और उसके साथ साथ ही उसके बाद खाद बनाने के बाद उसके ऊपर सीडलिंग पौधे उगाना, हम दोनों काम एक साथ करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी ली है, जो कि 20 लीटर की है, जिसके नीचे मैंने 3 होल कर दिए हैं। आप देख रहे हैं, मैंने इसके नीचे 3 होल कर दिए हैं। इसको मैंने एक, ये मटके का टुकड़ा है जिसको हम अपने राजस्थान में ठेकरी बोलते हैं, उससे कवर कर दिया है, ताकि जो बहकर कुछ भी नीचे नहीं जाएगा। ये फ्रेंड्स, आइए ऑर्गेनिक खाद के लिए मैंने क्या क्या लिया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ कागज़ के टुकड़े जो कि प्लेन है, वाइट है, ज़्यादा इंक नहीं है इसमें। ये केले के छिलके जो वेस्ट हो गए थे खाने के बाद में, जिनको मैंने कचरे के डिब्बे में डाल दिया था और स्टोर कर लिया था। ये कुछ मैंने अपने अशोका पेड़ की फ्रेश पत्तियाँ ली हैं, ये सूखी पत्तियाँ हैं, और ये मेरे किचन का वेस्टेज है। और ये कुछ चाय पत्ती, जो चाय बनने के बाद में हम फेंक देते हैं, उस चाय को मैंने 2-3 बार धो लिया है, और इसमें से अदरक निकाल दी है, क्योंकि अदरक दोस्तों, चाय की अदरक जो होती है वो पौधों को जला देती है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। और ये कुछ लस्सी, जिसे बटर मिल्क बोलते हैं, वो है, इससे फंगस नहीं लगता। और ये हमारे सीडलिंग के लिए कुछ शिमला मिर्च और लाल मिर्च, पालक, मेथी के बीज हैं, जिनको हम खाद बनाने के बाद में, इसका सारा काम हो जाए उसके बाद में हम इसको, इसका काम करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं इसमें ये पेपर्स डाल देती हूँ। फिर मैंने ये सारा किचन का वेस्टेज इसमें डाल रही हूँ। किचन में यूज़ आने वाले वेजिटेबल्स के काफ़ी सारे छिलके ऐसे ही होते हैं जो खाद बनाने के काम आते हैं, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उन सबको हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से हम इसकी खाद बनाएंगे तो पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। अब ये केले के छिलके जो सड़ चुके हैं, ये सूखी पत्तियाँ, अब ये फ्रेश पत्तियाँ, फ्रेश पत्तियाँ हमारे घर के बड़े पेड़ों में से हम ले सकते हैं। ये डाल दी मैंने सारी। अब हम इसमें बटर मिल्क डाल देंगे, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। ये चाय पत्ती, थोड़ी सी गोबर की खाद, आपके पास अगर गीला गोबर है तो आप
आप उसको पानी में भिगो के डाल दीजिए, और सूखी खाद है आपके पास जो घर में अवेलेबल होती है उसको डाल दीजिए थोड़ा सा। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। अब हम इसमें ये मिट्टी डालेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है इसलिए कैमरा इधर उधर हिल भी जाता है, कई बार पिक्चर क्लियर नहीं आती, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर हम अपने वेस्ट मटेरियल से खाद बनाने लग जाएंगे तो ये गली गली में कचरा फैला नहीं रहेगा। सबको ही ये काम करना चाहिए और घर में प्लांट्स लगाना चाहिए, ये काम किसी भी तरह से गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है, घर में ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं, वातावरण अच्छा रहता है, हमारा एनवायरनमेंट हरा भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी, अगर खाली हम इसमें कंपोस्ट बनाएं तो हमें मिट्टी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी, लेकिन हम इसमें सीडलिंग भी करेंगे, हम इसमें प्लांट भी लगाएंगे, इसलिए हमें इसमें मिट्टी ज़्यादा डालनी है, ताकि ऊपर प्लांट उगता रहेगा और नीचे हमारी कंपोस्ट तैयार होती रहेगी। कंपोस्ट तैयार होने में फ्रेंड्स 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में हम इसे चेक करते हैं, अगर फिर भी नहीं हुई तो 1-2 मंथ और लग जाता है। अभी थोड़ा और डालते हैं, बाल्टी बड़ी है इसलिए पूरी भर नहीं पाएगी। गार्डनिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप मार्केट से ही खरीद कर लाएं। आप घर में आपकी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, पेंट की भी बाल्टियाँ जो कि वेस्ट जा रही हैं, कोई टूट फूट गई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बाहर से पॉट खरीद कर लाएं और उसी में आप प्लांट्स को जो है उगाएंगे। ये देखिए, मैंने इतनी मिट्टी इसमें डाल दी है, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। जहाँ जहाँ मिट्टी का लेवल कम लग रहा है वहाँ पे थोड़ी और डाल दें। थोड़ी सी ऊपर से गोबर की खाद की एक लेयर, बरसात के मौसम में आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। ये मिट्टी मेरे घर के गार्डन की मिट्टी है, इसमें कुछ जानवर नहीं है इसलिए मैं बिना ग्लव्स के भी इसको इसमें काम कर लेती हूँ, लेकिन अगर हम पहन ले तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम इसमें प्लांट्स को उगाएं, प्लांट्स के लिए सीड डालेंगे ताकि 3 से 4 महीने में हमारे प्लांट्स भी तैयार हो जाएं और उसके बाद हमारी खाद भी तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ डालूंगी मैं, ये मिर्ची ली है मैंने जो मैं मार्केट से लाई थी, बड़ी तीखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, इसके बीज में डालूंगी।
मिर्ची वैसे आप फ्रेश भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम मिर्ची को कुछ टाइम के लिए रख लें और उसको लाल कर लें तो वो बहुत अच्छे से लग जाती है। एक साइड में ये इस पे मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी, ज़्यादा नहीं। इस तरफ मेरे मिर्ची के प्लांट्स उगाएंगे। इधर फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ। मेथी पालक का मौसम अब आ रहा है, सर्दियों में हम इसे बहुत खाते हैं और इसके रूट्स ज़्यादा नीचे तक भी नहीं जाते। मिर्ची के प्लांट्स जब उग जाएंगे, उस जब वो थोड़े बड़े होंगे, जब 3-4 महीने में खाद तैयार होगी तो मैं उनको सेपरेट कर दूंगी, लेकिन पालक और मेथी जो है उसके रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते, इसलिए हम उसको अभी कुछ महीनों तक इसी में रहने देंगे। ये फ्रेंड्स पालक के बीज हैं। मैंने पालक वैसे उगा रखा है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े से ही डालूंगी बस। यहाँ पे एक तरफ, अगर आपको लगे कि बाल्टी में ये सब ज़्यादा हो गया है तो आप इसको उगने के बाद में सेपरेट कर लीजिएगा। सेपरेट करने के बाद जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये मैं कुछ शिमला जो मैंने डिस्पोजल में कल परसों उगाई थी कुछ दिन पहले, ये हम इसमें थोड़ी थोड़ी फिर डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस दो चार पीस। मैंने आज पिज़्ज़ा बनाया था तो मैंने शिमला मिर्च काटी थी, मेरा उसके सीड्स को फेंकने का दिल नहीं किया, मैंने सोचा उसकी सीडलिंग ही कर लूँ, उसके प्लांट्स ही उगा लूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, बस ये हो गया। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट और प्लांट ग्रो करने का आइडिया, जिससे हमने कहते दो पंथ एक पंथ दो काज वो कर लिया। इससे हमारे प्लांट भी तैयार हो जाएंगे और हमारी खाद 3-4 महीने तक तैयार रहती है, वरना आपके पॉट रुका ही रहता, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाते 3-4 महीने तक जब तक खाद तैयार नहीं होती। हम इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये प्लास्टिक की बाल्टी है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि मिट्टी का पॉट जो होता है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन प्लास्टिक नहीं कर पाता, इसलिए इसमें पानी हमें कम ही रखना है। जब आपको लगे कि मिट्टी सूखने लगी है, मॉइस्चर नहीं है, तब आप इसमें पानी डालें, वरना पानी नहीं डालें। और इसको अब रखना, अब आपको बताती हूँ इसको कहाँ रखना है। इसको रखना है आपको जहाँ पर पूरा टाइम धूप नहीं रहे, ज़्यादातर छांव रहे और हल्की हल्की धूप आती रहे, और जहाँ पर बारिश का, अगर मैं इसे अपनी छत पर रख रही हूँ, मैं छत के एक कोने में रखूँगी जहाँ बारिश की ज़्यादा बुछारें नहीं लगती और वहाँ पर ज़्यादा धूप भी नहीं आती, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब जब इसकी सीडलिंग, एक हफ्ते में इसकी सीडलिंग्स निकल आएगी, पालक की और मेथी की सीडलिंग तो 3 से 4 दिन में निकल आएगी। मिर्च की जो चिली है और जो शिमला मिर्च है, इनकी सीडलिंग आपको एक हफ्ते में जो है प्लांट ग्रो होने लगेंगे। मेथी के बीज जो हैं वो 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा कंपोस्ट और प्लांट उगाने का तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। Thank you, friends.